आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है वो बाहर आ सकती है। कहीं कहीं लोगों में कहीं प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं। हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं। उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। 1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बड़ी खुशी थी पूरे देश में। हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम, तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से यह खुशी मना रहे थे। सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, क्रिकेट वॉज अ फीवर इंडिया, एंड एक्चुअली इट बिकेम अ मोर फीवर इन इंडिया आफ्टर कपिल देव वॉन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे। मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, BCCI ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सी को सोता था सी तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया। वेस्ट इंडीज वॉज अ वेरी पावरफुल टीम। 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे, और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे। उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का, और वेस्ट इंडीज की यह पावरफुल टीम, उन लोग ये लोग बैलेंस करते थे। क्लाइव लॉर्ड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है, 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर, 6 में से एक भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था, और 4 में से एक भी बॉलर को बैट्समैन बैटिंग करना आता नहीं था। स्पेशलाइज इन योर डिपार्टमेंट, दैट वॉज हिज स्ट्रेटेजी, हिज थिंकिंग, बट विद दैट ही रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर 20 ईयर्स, हम लोग जानते हैं। तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए, इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया। विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे, रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के। इन 13 बॉल्स ही हिट 8 टू द फेंस। बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स। तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में, लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे। अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी। वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए। कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए, बॉल पीछे से आ रहा था और ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस। 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सी को हरा गए। इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड BCCI फॉर अ फुल सीरीज, 6 टेस्ट एंड 6 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम। उसके पहले तो बी टीम आती थी भारत में, कभी क्लाइव लॉर्ड, विव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए, ऑलविन चाल, कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए बी टीम। क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और 6 वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया। कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150-150 रन से हराया। बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी 1.5 महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत। फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई, फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई, इनिंग्स एंड 250 रन डिफीट टू इंडिया, और उसमें मेलकम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड, एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मेलकम मार्शल। उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे, यूज्ड टू बोल, फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 माइल्स पर आवर वे मेलकम मार्शल थे, और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे, रन अप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़ते, ताकि बैट्समैन को देखना पड़ता था कि कहां तक वो पहुंचा बॉलर, बैट में आते देखना पड़ता कि वो पहुंचा कहां था, एकदम अंपायर के पीछे से बाहर निकल के मेलकम मार्शल गेंद डालते थे, यूज्ड टू बोल स्लैंटिंग डिलीवरीज।
और पीछे डुजोन तो तैयार ही रहता था बड़े ग्लोव्स लेके, कॉट डुजोन बॉल मार्शल, कॉट डुजोन बॉल मार्शल चालू ही रहता था, एक आता था एक जाता था। किसी को भी गलती से भी कट नहीं लगी कि स्लीप के ऊपर से गेंद चली जाए और थर्ड मैन पे एक बाउंड्री मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ था। सिवियर क्रिटिसिज्म इन द इंडियन प्रेस, ईच एंड एवरी इंडियन प्लेयर वॉज हेविली क्रिटिसाइज कि अब तो जो वेस्ट इंडीज बोलती थी वो बात सही है कि भारत ने फ्लूक बाय फ्लूक ये वर्ल्ड कप जीता, नसीब के आधार से जीता, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, टैलेंट से ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है, वो बात तैयार हो गई। इंडियन प्लेयर्स का काउंसलिंग चालू हुआ, मॉरल बूस्टिंग चालू हुआ, पंपिंग चालू हुआ, एटीट्यूड्स बदलना चालू किया। उसमें सबसे पहली बारी आई ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर की, उनका एटीट्यूड बदला कि यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। इफ मेलकम मार्शल इज अ ग्रेट बॉलर, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन। इफ यू कैन बोल सो वेल, यू कैन बैट सो वेल। गावस्कर का एटीट्यूड चेंज किया, बिकॉज यू स्टार्ट द इंडियन इनिंग्स, यू आर द ओपनिंग बैट। आप जिस प्रकार से खेलेंगे उस प्रकार से पूरी टीम खेलेगी, नतीजा पहले से चालू हो जाएगा। एंड गावस्कर सेड व्हाट, ही वाज काउंसल्ड, चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। गावस्कर डिफेंसिव बैट्समैन थे, वे टेस्ट बैट्समैन थे, वनडे इंटरनेशनल के नहीं थे। सचिन तेंदुलकर टेस्ट और इंटरनेशनल दोनों के थे, 2020 के नहीं थे। क्रिस गेल है वो 2020 और इंटरनेशनल के है, टेस्ट के नहीं है, अलग अलग रहता है। सुनील गावस्कर को बताया गया कि चेंज योर एटीट्यूड, यू विल गेट सक्सेस। और आप जो बैट डिफेंस करते हो वो जरा स्ट्रोक क्रिएट, अ स्ट्रोक ऑन एवरी बॉल। मार्शल इज अ मास्टर बॉलर, यू आर अ मास्टर बैट्समैन, द लिटिल मास्टर उनके लिए पहले नाम था। द मोमेंट गावस्कर चेंज्ड हिज एटीट्यूड, हिज बैटिंग चेंज्ड, रिजल्ट्स चेंज्ड, ओवरऑल आउटकम चेंज्ड। और छह में से हम लोग तीन टेस्ट मैच तो फिर भी हारे, लेकिन तीन टेस्ट मैच बचा सके वो गावस्कर का एटीट्यूड अटैकिंग हुआ। इसलिए दूसरी टेस्ट थी फिरोज शाह कोटला पे दिल्ली में, वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस एंड सेंड इंडिया इन टू बैट। और सब बुकीज ने तो ये सोच रखा था कि सात सात या आठ विकेट गिर जाएगी लंच के पहले 150 में। गावस्कर का एटीट्यूड बदल दिया था, उन्होंने भी बदला था, क्या, फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। गावस्कर अटैक्ड मार्शल फ्रॉम डे वन, फ्रॉम बॉल वन। और पहले ही ओवर में गावस्कर ने चार चौके मारे। मार्शल अपनी वेस्ट पे हाथ लगा के पिच के बीच खड़े रहे और गावस्कर के सामने देख रहे। Years later, मार्शल वुड राइट इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट फ्रॉम फिरोज शाह कोटलाज इनिंग्स आई कुड सी अ चेंज इन गावस्कर्स एटीट्यूड एंड दैट चेंज इन एटीट्यूड ब्रॉट आउट द अटैकिंग नेचर इन हिज बैटिंग एंड दैट चेंज द ओवरऑल रिजल्ट आउटकम ऑफ द सीरीज। और गावस्कर ने लंच के पहले सेंचुरी बनाई, 107 नॉट आउट। और फाइनल सिक्स टेस्ट में चेन्नई पे चेपॉक पे 236 नॉट आउट इन द फोर्थ इनिंग्स ऑफ द टेस्ट टू सेव टेस्ट फॉर इंडिया। दो दिन खेले 236 बनाने के लिए, लेकिन बचा दी टेस्ट। वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि भारत में से अगर ताजमहल चोर के ले जाना है ना तो लेकर सकते, लेकिन गावस्कर का जो स्ट्रेट बैट डिफेंस है उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो एटीट्यूड ये रहना चाहिए। अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा तो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, कितना भी अच्छा मार्गदर्शन हो, फिर भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी लंदन में, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा करनी थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का करना था। इसमें इटली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कुछ बात करनी थी, बात करने के लिए खड़े हुए बोले कि सी ट्रैफिक लाइट्स हमने सब शहर में रखी है, लेकिन कोई शहर में अच्छी व्यवस्था है, कोई शहर में अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सबने पूछा क्यों, रोम में इंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो फॉलो करते हैं, नेपल्स में,
सजेशंस देखते हैं। और जो हमारा माफिया टाउन है सिसिली, वहां पीपल लुक एट ट्रैफिक लाइट्स लाइक अ क्रिसमस डेकोरेशन। लाल पीली अच्छी होती है, मजा आता है देखने में। व्यवस्था तो सब जगह पे थी, रोम में इंस्ट्रक्शंस देखते थे तो अच्छी व्यवस्था थी, नेपल्स में सजेशंस देखते थे तो चलता रहता था, और सिसिली में उसी क्रिसमस लाइट को दिवाली या क्रिसमस का डेकोरेशन देखते थे। लाल पीली अच्छी होती है, मजा आता है देखने में, तो कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्थाएं सब एक प्रकार की हैं, रिसोर्सेस सब एक प्रकार के हैं, लेकिन नतीजा रिजल्ट्स पीपल के एटीट्यूड से आते हैं। इतनी ताकत है एटीट्यूड में, व्यवस्थाएं तो थी लेकिन परिणाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं एटीट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं, तो एटीट्यूड्स में ये ताकत है।